और अब तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े चरखे की, वो चरखा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहचान रहा। आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर दुनिया का सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया। लकड़ी के बने इस चरखे को गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के प्रतीक के तौर पर विदेशों से आने वाले टूरिस्ट और गेस्ट को दिखाया जाएगा। आप भी देखिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट IGI पर दुनिया का सबसे बड़ा चरखा स्थापित कर दिया गया है। ये विशालकाय चरखा टर्मिनल 3 के डिपार्चर बिल्डिंग में स्थापित किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लकड़ी के चरखे का उद्घाटन किया। इस चरखे को अहमदाबाद में खादी एवं ग्राम आयोग की एक इकाई ने तैयार किया है। औद्योगिक क्रांति होने के बाद दुनिया में दो बड़ी विचारधाराओं ने जन्म लिया, पूंजीवाद और साम्यवाद। किसी के केंद्र में व्यक्ति नहीं था, और व्यक्ति का विचार अगर कहीं पर हुआ तो एकात्म मानववाद में हुआ। और उसी दर्शन को गांधी जी ने बड़े सरल स्वरूप से अपने जीवन में, गांधी जी का एक गुण था कि बोलने से ज्यादा वो कर में संदेश देते थे। करीब 42 कारीगरों को अहमदाबाद में एक हमारी संस्थान है, जो मेरी अपनी संस्थान है, उनके द्वारा बनवाया। और ये सागौन की लकड़ी हम लोगों ने कांडला एयरपोर्ट से बर्मा से मंगवाया, और सागौन की लकड़ी ताकि उसमें कोई तरह का, मतलब कि उसमें जिसको बोलते हैं सीजनिंग का इफेक्ट ना आए। और इसको बनाने में करीब 27 लाख रुपए की लागत आई। सबसे बड़े चरखे को उच्च गुणवत्ता की टीक की लकड़ी से बनाया गया है, जिसका वजन करीब 4 टन है, और एक अनुमान के अनुसार ये 50 साल से अधिक समय तक चलेगा। ये चरखा 9 फीट चौड़ा, 17 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबा है। इस चरखे को करीब 47 कर्मचारी और बढ़ईयों ने 55 दिनों में तैयार किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खादी आयोग के चेयरमैन विनय सक्सेना, खादी ग्राम उद्योग के CEO अरुण कुमार झा भी मौजूद थे। जिस चरखे को हमने प्रधानता दी है, जिस चरखे को हमने कहा है कि स्वदेशी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, वह जहाँ लोगों की निगाह में रहे बराबर और उस पर की स्मृति दिलाती रहे, इसी बात को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से परामर्श करने के पश्चात ही इतने बड़े चरखे का यहाँ स्थापन किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखे के जरिए लोगों को स्वदेशी और रोजगार का संदेश दिया था, और साल 2016 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के 100 साल पूरे हो गए। और इसे ही सेलिब्रेट करने के लिए KVIC देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट पर विश्व का सबसे बड़ा चरखा स्थापित करने में जुटा है, ताकि बापू की सीख दुनिया भर तक पहुंचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और बेटी की अहमियत स्लोगन्स तक ही सीमित न रह जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शख्स ने छेड़ रखी है अनोखी मुहिम। अनिल यादव ने बेटियों की पहचान को नया आयाम देने की जिद ऐसी ठानी कि आज सैकड़ों घरों की पहचान उनकी बेटियां बन गई हैं। अपनी बेटी के बर्थडे से शुरू हुए इस पहल को उन्होंने अपना जुनून बना दिया। क्या है वो पहल और कैसे बदल रही है तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ बेटी के नाम से सजती है नेम प्लेट, अब आना इसी देश लाडो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है, बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। ऐसे न जाने कितने स्लोगन बेटियों के लिए गढ़े तो गए, लेकिन आज भी बेटियों को सम्मान और हक के लिए जूझना पड़ता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। इनसे मिलिए, ये हैं बैतूल के रहने वाले अनिल यादव। पान की दुकान चलाते हैं, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया है जो पढ़े लिखे भी नहीं कर पाते। अनिल लोगों के घरों के सामने उनके घर की बेटियों की नेम प्लेट लगाते हैं, और अब तक वो बैतूल और उसके आसपास इसी तरह की 100 से ज्यादा नेम प्लेट लगा चुके हैं।
फिर मैंने अपने घर के सामने लगाई तो मुझे कुछ लोग बोलने लगे कि अरे वाह ये क्या लगाया है आपने, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो बोले बेटी के नाम से निवास किया है आपने, पहचान बनाई है। तो लोग इसको बोले कि हमारे यहाँ पे भी लगाओ बोले। तो मैंने एक दो घरों में लगाया तो फिर ऐसे करके मतलब मेरे कि ये अभियान का रूप ले लिया इसने। तो मैं अभी तक 80 से 90 घरों में लगा चुका हूँ मैं। अनिल ने इस अनोखी पहल की शुरुआत अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के मौके पर की थी। बर्थडे गिफ्ट के तौर पर सबसे पहले अनिल ने अपने घर के बाहर अपनी बेटी की नेम प्लेट लगवाई थी और फिर एक के बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। अनिल की पहल आसपास के लोगों को भी काफी पसंद आने लगी है और अब धीरे धीरे एक अभियान बन गई है। मेरी बेटी का जब मेरी बेटी 1 साल की हुई तो मैंने सोचा कि बेटी का क्यों ना कोई अच्छा सा तोहफा दिया जाए, उसकी जैसे अनमोल होना चाहिए। तो मैंने देखा कि बड़े बुजुर्गों की हमेशा प्लेटें लगी रहती है घरों के सामने, तो मैंने उसको मतलब ना अपनी बेटी के नाम से प्लेट बनाने का सोचा। तो मैंने अपनी बेटी को उस जिसके जन्मदिन पर ये गिफ्ट दिया। बिना किसी मदद के अनिल खुद के खर्चे पर नेम प्लेट लगाते हैं। सबसे पहले वो बेटियों वाले घरों की तलाश करते हैं और फिर उस घर की बेटियों के नाम जानकर उनके नाम की प्लेट उनके घर के सामने लगा देते हैं। अनिल के इस अभियान को हर कोई सराह रहा है। जिन घरों की पहचान कभी घरों के बुजुर्ग या मर्दों के नाम पर होती थी, अब उन घरों की पहचान घर की बेटियों के नाम से हो रही है। इससे न सिर्फ बेटियाँ बल्कि उनके घर वाले भी काफी खुश हैं। कि आप देख रहे हैं कि आयुषी निवास के नाम से अब हमारा घर जाना जाता है। पहले हमारे ससुर जी के नाम से जाना जाता था नेम प्लेट, हालांकि उनकी भी लगी हुई है, लेकिन आयुषी निवास के नाम से अब हमारा घर जाना जा रहा है। यह सबसे ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी बेटी के नाम से हम जाने जा रहे हैं। मेरी सिस्टर दो बहनों के नाम की नेम प्लेट हमारे घर के सामने लगी है, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। पहले दादा, परदादा और पापा, इन सब के नाम की नेम प्लेट हुआ करती थी घरों के सामने, उनके नाम से पत्र व्यवहार हुआ करते थे, और अब हमारे नाम की नेम प्लेट घर के सामने लगी है और हमारे नाम से पत्र व्यवहार होते हैं, तो हमें बहुत फख्र महसूस होता है। अनिल भाई साहब ने बेटी बचाओ अभियान का जो बोर्ड बनाया है और घरों घर लगाया है और मुहिम छेड़ी है, ये बहुत सुंदर है। सुंदर क्या, अति सुंदर है। अनिल के जज्बे का ही कमाल है कि लोग अब खुद ब खुद बेटियों को नेम प्लेट से पहचान देने की पहल करने लगे हैं। कई तो बेटियों को जन्म देने के बाद ही अनिल को याद करने लगे हैं। बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। देवभूमि उत्तराखंड बेहाल है, कहीं भूस्खलन कहीं बादल फट रहे हैं, तेज बारिश भी जनजीवन की रफ्तार को थाम रही है, लेकिन अब आई है इन सब के बीच उम्मीद की नई किरण। पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकेगा। इस नई तकनीकी प्रणाली से भारी बारिश से होने वाली आपदा की घटनाओं को रोकने के साथ साथ कम बारिश वाले क्षेत्रों में बारिश की मात्रा को बढ़ाया भी जा सकेगा। यह सब कैसे होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि में आफत की बारिश, बादल फटने से तबाही का मंजर। बहुत हुआ, अब और नहीं। अभी मानसून का आगाज भरी हुआ है और पूरा उत्तराखंड मुसीबत में घिर गया है। लैंडस्लाइड और बादल फटने से कई हिस्से बेहाल हैं। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन आफत की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड को इस बर्बादी से निजात मिल सकती है, क्योंकि खोज ली गई इस तबाही से बचने की नई तकनीक। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने विदेशी वैज्ञानिकों की मदद से बादल फटने की घटनाओं पर लगाम के लिए आपदा टेक्निक मशीन लगाने की योजना बनाई है। एक जगह बहुत सारी बारिश एक बार में इकट्ठी जब हो जाती है उसको बादल फटना कहते हैं, और जैसे 100 mm से ज्यादा बारिश हो जाती है तो जो हमारी मशीन है ये बादल को, घने बादल को बनने से रोकती है, बादल के बनने से पहले ही उनको डिस्पर्स कर देती है। एक जगह घने बादल बनेंगे ताकि बहुत ज़्यादा, तो इसको हम रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बारिश बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, जितनी बारिश की आवश्यकता है जो कि हमारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स लोग हमें बताएंगे इतने मिलीमीटर बारिश ही, हम उसी पे उसको कंट्रोल कर देंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का दावा है कि इस तकनीक के जरिए मौसम में बदलाव किया जा सकता है और वायुमंडलीय प्रभाव को नियंत्रित भी किया जा सकता है।
इस तकनीक के जरिए शहरों में वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित करने के साथ ही कोहरे की समस्या को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। नासा के पूर्व वैज्ञानिकों की टीम से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नई तकनीक से बादलों को एक जगह जमा होने से रोका जाता है, जिससे बादल फटने जैसी आपदा को टाला जा सकता है। We as a team with NGOSERV Solution Magnetic Technologies believe that we can combine a series of technologies to provide an overall holistic approach and a solution to creating a robust community as well as preventing the cloudbursts from building and also in providing a new early warning system. Earthquake early warning could save lives during the earthquake. We already installed more than 5,600 sensors in China, and we also support Nepal to build the earthquake early warning system. And this system already served public in this April, and I come here to cooperate with India. उत्तराखंड में 2013 में आए तबाही के सैलाब में करीब 5,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। करीब 4,000 गांव तबाह और बर्बाद हो गए थे। और ये मशीन किसी भी क्षेत्र विशेष में बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए लगाई जाती है। बादलों के एक स्थान पर जमा होने पर मशीन से वायुमंडल में विशेष तापमान तैयार किया जाता है, जो बादलों को आपस में टकराने से रोकता है। उत्तराखंड सरकार इस तकनीक के इस्तेमाल पर मंथन शुरू कर चुकी है। एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो हमने जैसे कुछ मशीन लगा के दिखाएं टेस्ट रिजल्ट्स इस एनवायरनमेंट में टू प्रूफ कि ये टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में भी बहुत सक्सेसफुल है और फिर हम उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आपदा टेक्निक मशीन अबू धाबी, रूस और ईरान जैसे देशों में सफलतापूर्वक काम कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में तकनीक की मदद से बादल फटने जैसी घटनाओं को रोकने वाली ये नई तकनीक उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हो सकती है। देहरादून से सोनू सिंह, इंडिया 24/7। आस्था की अविरल धारा गंगा कब निर्मल हो पाएगी, इस सवाल का जवाब आज शायद ही किसी के पास हो। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता इस बात की है कि गंगा की निर्मलता के उपाय कब और कैसे कारगर साबित होंगे, जबकि आए दिन नियमों की अनदेखी आम हो चुकी है। हरिद्वार और ऋषिकेश से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार और स्वर्गाश्रम पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ पूरे साल देशी विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता है, जिसके चलते गंगा के तटों पर अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। जगह जगह आश्रम, होटल, रिजॉर्ट्स ने यहाँ की गंगा के स्वरूप को ही बिगाड़ दिया है। इन निर्माण कार्यों की सारी गंदगी सीधे गंगा में जाती है, जिससे गंगा की शुद्धता और निर्मलता को नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों को लगता था कि कोर्ट के फैसले और एनजीटी के कदम से शायद अवैध निर्माण पर रोक लगेगी, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। परेशान लोगों ने अब इस संबंध में आरटीआई अर्जी भी लगाई और उम्मीद कर रहे हैं कि किसी हद तक गंगा को बचा सके। तो विकास प्राधिकरण भी यहाँ है, हरिद्वार विकास प्राधिकरण यहाँ है, वो भी नहीं देख रहे इन चीजों को। वो भी बस पैसे खाईवाड़ी के चक्कर में लगा रहता है 24 घंटे, ये कहाँ से क्या मिल जाए। वहीं ऋषिकेश और स्वर्गाश्रम में लगातार नदी तटों पर हो रहे कब्जों ने स्थानीय लोगों की भी नींद उड़ा रखी है। बार बार प्रशासन ने शिकायत करने के बाद भी भूमाफिया अपनी साठगांठ के चलते यहाँ के गंगा तटों पर होटल, रिजॉर्ट और आश्रम बनाकर यहाँ की प्रॉपर्टी के दाम को आसमान पर ले आए हैं। एनजीटी द्वारा गंगा तटों से 200 मीटर के दायरे में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, मगर अभी भी अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि कैमरे पर सवाल पूछने पर अफसरों का जवाब है कि तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है और जल्द ही इसमें कार्रवाई की जाएगी।
इसके संबंध में मेरे द्वारा एचआरडीए के अपने जो जेई और एई हैं उनको कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि सारे जो भी ऐसे अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के बाद अब एनजीटी ने गंगा के 200 मीटर के दायरे में बने निर्माण को रोकने के आदेश तो दे दिए, मगर अभी तक अवैध निर्माण रुकते नजर आ नहीं रहे। ऐसे में इन निर्माण कार्यों पर रोक लगाने वाली हरिद्वार विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।